नमस्कार भाइयों बहनों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइल्ड केयर नैनी कोर्स अकेले GNM, ENM, BSc नर्सिंग, BDS, MBBS या जो भी अलाइड हेल्थ से रिलेटेड है या ग्रेजुएट है या प्लस टू फ्रेश हैं वो सभी कर सकते हैं। तेरा टू पाथवेज, दो पाथवेज हैं इसमें। आप बच्चे की देखभाल के लिए भी जा सकते हैं अगर प्लस टू फ्रेश हैं और नैनी का कोर्स है, और अगर कैनेडा में आपने जाना है और आपने कोई अलाइड हेल्थ GNM का कोर्स, ENM का किया हुआ है तो आप नैनी का कोर्स करके बच्चे के अलावा एक बुज़ुर्ग को या एक डिसेबल्ड को भी संभाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉमन FAQ में, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में ये पूछा जाता है मेरे से या मेरे काउंसलर से या मेरे स्टाफ से कि भैया वीज़ा लगा दोगे, टिकट दिला दोगे, पक्की बात है, गारंटी है? तो मैं बोलता हूँ जो आपको गारंटी देता है किसी भी चीज़ की, चाहे सरकारी जॉब की या कहीं, या तो दो आदमी देते हैं, गॉड या फ्रॉड। ज़िंदगी में देखिए कैसे मैं असेस कर सकता हूँ बगैर देखे आपको कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्यों ज़रूरत है एक बाहरी विदेश में सिर्फ एक प्लस टू आदमी की या औरत की? प्लस टू क्या होता है बेसिकली? कुछ भी नहीं। और क्या हम मांग रहे हैं, एक्सपेक्ट हमारे में क्या है जो हमें कोई बाहर लेके जाएगा? हमारा यहाँ की सरकार या यहाँ के स्टेट में गुजारा नहीं हो रहा। अगर हम इंटेलिजेंट इनफ होते तो हमारा यहाँ पे कुछ होता। ये कहना कि हमारे देश में कुछ नहीं गलत है, एक्चुअली हमारे पास स्किल ही नहीं है ज़्यादा स्टफ हमारे लोगों में। मैं अपने आप को भी बीच में रहूँगा, अब हट बात हो ही है। अगर नैनी के बेस पे आपने कनाडा में जाना है तो एक बात याद रखिए, तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके पास एम्प्लॉयर होना ज़रूरी है, कोर्स करने के लिए नहीं। कोर्स करने के लिए तो प्लस टू सफिशेंट है, टेंथ वाला भी कर लेगा कोर्स। कोर्स तो मैंने करवाना है, मगर आपने देखना है कि उसकी वक्त होगी, वो कागज़ का टुकड़ा तो ना रह जाएगा। तो नेचुरली अगर आपने टिकट खरीद ली जहाज़ की और वीज़ा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना? तो मैं आपके पैसे का पूरा और पूरन और पूरा इनकैशमेंट करवा के देखूंगा। कैसे? नैनी का कोर्स जो कनाडा के लिए कर रहा है तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कॉलेज इंस्टीट्यूट जहां मर्जी से करिए, वो रेपुटेड हो, करिकुलर उसका बढ़िया हो और उसके कम से कम 400-500 RTI के लेटर www.perimedicalindia.com से एक ज़्यादा ही हो। नहीं है तो कोई फायदा। नंबर टू, आपके पास जॉब ऑफर आने की संभावना हो, अगर नहीं है तो कल को, एक साल दो साल बाद आने की संभावना है तो कर लीजिए कोर्स। यानी कि जॉब ऑफर का मतलब है कि स्पॉन्सरशिप नहीं कहते उसको, यानी कि आपको कोई बच्चे को संभालने के लिए या बुजुर्ग को संभालने के लिए या डिसेबल को संभालने के लिए कोई उधर से ऑफर लेटर दे रहा है। एक चीज़, वो एम्प्लॉयर होता है जो नौकरी देता है। अगर नौकरी वहां पे है कनाडा में तभी तो जाओगे भाई नैनी के बेस पे। अब लोग कहते हैं कि आप एम्प्लॉयर हायर कर दोगे, ये तो बिल्कुल वो बात हो गई कि आप मेरे लिए दुल्हा देख लोगे, जैसा मर्जी हो, काला हो, गोरा हो, 6 फुट का हो, 8 फुट का। व्हाट ए डर्टी थिंग वी आर थिंकिंग। क्या मांग रहे हैं हम, क्या मांग रहे हैं? इसका मतलब लॉजिक नहीं है हमारे में। कैसे कह सकता हूं कि एक कमीज मेरे सामने, यहां 18 साल का लड़का खड़ा है, तो वो कमीज मेरी पसंद की और मेरे नाप की उसके भी पूरी आ जाए? व्हाट ए डर्टी थिंग। यानी कि हमारा लॉजिक नहीं है। पंजाबी, हरियाणा, हम, मैं पंजाबी शब्द इसलिए बोलता हूं, इसका मैं हर्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहते कि क्या हमारा बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है, क्या मांग रहे हैं हम? तो थोड़ा सिस्टेमिक हो जाइए। एम्प्लॉयर जॉब ऑफर हो, नंबर टू वो एम्प्लॉयर 75,000 कैनेडियन डॉलर पर एनम सालाना अकेला या बिजनेस में या वाइफ या उसके साथ जो फैमिली है वो कमा रहा हो, इनकम टैक्स देता हो, PR हो, सिटीजन हो, उसका घर में इतनी पर्याप्त जगह हो कि आपको रख सके लड़का या लड़की जिसने प्लस टू की हुई है, नैनी का कोर्स किया हुआ है या जिसने नर्सिंग किया है, जिससे कंसर्न कोर्स किया प्लस नैनी कोर्स किया, अकेला नहीं, एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, नहीं भी है तो भी चलेगा, उसकी वीडियोस अपलोड करनी है आपके CV में।
ताकि इवेंचुअल लगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी चलेगा, लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस होगा तो आपका कद बड़ा हो जाएगा ना। जॉब ऑफर, जॉब ऑफर आपको मिलने की संभावना है तो जरूर कीजिए। दूसरा, जो भी एम्प्लॉयर होता है वो 3-4 साल के लिए, सॉरी 3-4 महीने लगातार अखबारों में ऐड देता है, वहां की नैनी उसको मिलती है, वो वीडियोग्राफी करता है और उनको किसी ना किसी बहाने रिजेक्ट करता है। वो रिजेक्ट नहीं करेगा तो फिर आपको कैसे बुलाएगा, फिर आपका राफ्ता कैसे उसको मिला, आपके साथ वो कैसे रूबरू हुआ, ये भी कल को एम्बेसी को समझाना जब इंटरव्यू आएगी, कैसे रेफरेंस से आए, ऐसे तो नहीं उसको सपना आ गया, कहीं सीवी भी नहीं अपलोड किया आपने, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो बनाना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है पंजाबी या यहाँ से ही पंजाब से, कनाडा वालों को पंजाब की जरूरत है आज की डेट में, मगर कहीं ये ना हो जाए कि पंजाब वालों को कनाडा की जरूरत हो जाए, तो फिर डिमांड सप्लाई बैलेंस नहीं हो पाएगी। और एवेंचुअल तो ये हो ही रहा है ना कि पंजाब वालों को कनाडा की जरूरत है, और जब तक कनाडा वालों को जरूरत है वो आपको बुलाते रहेंगे और जो आप में से बेस्ट है उसको बुलाएंगे, ताकि एवेंचुअल एक वीक कैंडिडेट घर पे नहीं रखा जाता, उसको पैसे नहीं दिए जाते। अब अंग्रेजी स्पीकिंग बोलने वाली कंट्री है, सेकंड लैंग्वेज पंजाबी है, तो याद रखिए कि आपका एम्प्लॉयर अपने बच्चे को पंजाबी सिखाने के लिए नहीं बुला रहा वहां पे, तो कम से कम आप इंग्लिश फ्लुएंट, फराटेदार इंग्लिश अगर जान दे हो, नहीं तो अदरवाइज आइल्स जनरल कर लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, कम से कम 5.5 बैंड ले लो भैया जनरल, कोई नुकसान नहीं है। अगर स्विमिंग जानते हो, फ्रेंच जानते हो और 19 सब्जेक्ट जो करिकुलम में हैं उनकी नॉलेज है, बैकडोर में मत लो, कुछ चीज बैकडोर में खरीदो मत, क्योंकि जब तक बेसिक ही नहीं पता, बच्चे के दांत कब निकलते हैं, उसके इंसाइजर कब निकलते हैं, उसके केनाइन कब निकलते हैं, मोलर कब निकलते हैं, प्री मोलर, 50 साल का भी बच्चा हो जाता है ना तो भी माँ कहती है सो जा मेरा बेटा है, उसकी वाइफ भी होती है बच्चे भी, तो माँ के लिए तो बच्चा ही है ना वो, 50 साल के बाद भी बच्चा जो संभालने की कला है पेरेंट्स को नहीं आती। हम कहते हैं 6 महीने में कला आ गई, 6 महीने का कोर्स है और हमें सर्टिफाई कर दीजिए कि हम चाइल्ड केयर में निपुण हो गए। एवरी मैन लर्न्स टिल द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक हम सीखते हैं। ये सोचना कि मैं परफेक्ट हूं और आप परफेक्ट हैं गलत है, गॉड इज परफेक्ट, यूनिवर्स इज परफेक्ट। तो याद रखिए ये चीजें अगर आपके दिमाग में है, अब ये सवाल है कि कनाडा के अलावा कहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, मगर वहां पे एटलीस्ट 1 साल का कोर्स कीजिए और एम्प्लॉयर हायर कीजिए, नहीं तो अपना सीवी, बायोडाटा, करिकुलम विटे अपलोड कीजिए फ्री साइट्स पे या प्रीमियम साइट्स पे, आप में क्या स्किल्स हैं वो लिखिए, आपको एम्प्लॉयर कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है जी। www.naukri.com है, उस पर कीजिए, बहुत सारी है, गूगल पे जाइए तो सही, गूगल इज ए सोर्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मगर एनालिसिस करना है, रिव्यू करना है कि उसमें अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। कोई भी फादर अगर सच्चा फादर है तो बच्चे को गलत बात नहीं सिखाता, मगर गूगल इज ए इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां पे गलत चीज भी है और ठीक भी, आपको चुनना खुद है, वहां जहर भी पड़ी है और अमृत भी है, आपने अमृत चुनना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।